गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे, क्योंकि अपना टेक केयर करने की बहुत बहुत जरूरत है। और हम भी आप सब की दुआओं से एकदम ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ठीक रहेंगे। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं आपके चैनल और अपने खुद के चैनल निशाज बास्केट में वेलकम करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मुझे अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह देखते रहेंगे। सब्सक्राइबर नंबर थोड़े बढ़ रहे हैं, दिल को बहुत सुकून सा मिलता है और अच्छा लगता है कि शायद आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। मैं तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से बनाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं आप तक पहुंच रहे होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। इस समय एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का बजा है अभी 11। उठी तो मैं 6 बजे से हूँ, 6 बजे अपना मैंने सारा काम कर लिया, लंच भी बना लिया। और फ्रेंड्स, मेरे अंदर क्या बात है कि मैं उठते ही, क्योंकि पैंडमिक से पहले मेरे पास खाना बनाने वाली हेल्पर थी, लेकिन अब मैं अपना खाना खुद बनाना पसंद करती हूँ। बिकॉज हम लोग बहुत सादा सा खाते हैं और कभी कभी चीट डे भी होता है हमारा, तो अगर वीक में हम लोग 5 दिन या 6 दिन सिंपल फूड खा रहे हैं तो 7th डे हम एक चीट करते हैं और जो भी हमारा मनपसंद का खाना है वो हम खाते हैं, ताकि हमारी जो आत्मा है वो भी खुश हो सके। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा धो के तैयार हो गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब कपड़े पहन लेते हैं और नहा धो के तैयार हो जाते हैं तो हमारी जो कीवी है उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग अब कहीं जा रहे हैं, पर अभी हम नहीं जा रहे। आज मैं इसकी पूरे दिन की मस्ती दिखाऊंगी आपको, छोटे छोटे क्लिप इसके लूंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। दिल में बहुत अच्छा लगता है, छोटा बच्चा है और हम बच्चे की तरह इसको पाल रहे हैं। बहुत लोग डॉगी से प्यार करते हैं, ये तो हमारा, हम इसको डॉगीज बोलते हैं, हम इसको डॉग भी नहीं बोलते, हमें ये हमारा बच्चा है और इसका नाम लेकर हम उससे बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ताज्जुब होगा कि मैं अगर इसको कहीं से बोलूंगी सोनू, सोना, बाबू, तो इसको पता है कि मम्मा मुझे ही बुला रही है, तो एकदम कान खड़े कर लेगी और मेरी तरफ देखेगी। हम इतना तेज, अभी मेरे हस्बैंड उधर गए हैं लास्ट रूम में पीछे की तरफ, तो ये जो मैडम है उनके पीछे 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 गई है। कीवू, कीवी कहां गई है? उनको प्रेस करनी है, उनके पीछे पीछे पीछे। सैम गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सैम इस समय जा रहे हैं प्रेस करने अपने कपड़े, हालांकि मैं प्रेस कराती हूँ लेकिन कभी क्या होता है कि वो कपड़ों में रखकर उनकी सारी जो क्रीज होती है वो सब बिगड़ जाती है, तो इसलिए वो अब अपना प्रेस करने जा रहे हैं। यस यस यस, कि पहले जो हमको एक अकेलापन लगता था अब नहीं लगता, अब हम इसमें बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। हालांकि एक मीटिंग में जाना है, पास में ही जाना है, तो उनको वहीं पर बुला लिया है, लेकिन जब जाएंगे तब पता पड़ेगा। बिकॉज अब ये देखिए कैसे खेल रही है, टॉयज से बहुत खेलती है, इसको बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहा बात है। अच्छा चलो चलो, आज मम्मा लेती है गो, ये थोड़ी देर हो जाती है तो बस चाहती है मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद। अच्छा तुम गुड मॉर्निंग नहीं करती? गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। ओए ची 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 ची, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल बच्चों की तरह है और चाहती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे गोद में ले ले, मतलब इतनी लविंग। ओ मेरा बच्चा, फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आता ये इसका प्यार दर्शाने का तरीका। ये मुंह खोलती है और ऐसा लगता है जैसे काटेगी, तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि देखो अगर ये काटेगी मुंह खोलेगी तो मैं इसकी टेक केयर नहीं करूंगी। ऐसा होगा क्या? अच्छा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा मेरा बच्चा, मेरा बाबू। अभी क्या खाया, अभी क्या खाया? अभी कैल्शियम स्टिक खाई है, उसे बहुत पसंद है। चलो 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 चलो, तो चलिए आज जो भी रूटीन होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा घर का थोड़ा सा और किचन का काम निपटा लूं और उसके बाद। फ्रेंड्स बाहर का दिखाती हूँ, एकदम फुल फ्लैज गर्मी हो गई है। ये देखिए इतनी कड़क धूप निकली हुई है, बहुत कड़क, ये देखिए बहुत कड़क धूप निकली है। ये मैंने अपने प्लांट्स थोड़े से चेंज करे हैं। और ये आपका मैट्रेस गिर गया, मम्मा ने धो के डाला था। अरे भैया अभी नहीं, अभी थोड़ा सा धूप और लग जाए। इसका मैट्रेस है जो धो के डाला था, अभी अभी धूप, अब पीछे की तरफ धूप है। और ये मैंने आज गुलाब लगाया है, पहली बार लगाया है गुलाब, थोड़ा चेंज करा था। जितने मेरे पास प्लांट्स हैं बस उतने ही मुझे करने हैं। तो ये मैंने देखिए कटहल बनाया है, दो ही जने हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए ये मैंने कटहल बनाया है, साथ में थोड़ा सा दही हो जाएगा और चपाती हो जाएंगी और खीरा टमाटर प्याज का सैलड हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने इसकी रेसिपी आपको शेयर करी है, आप सोचेंगे कि मैं ये बात बोल रही हूँ। मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ कटहल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सीजन का पहला कटहल है, हालांकि मेरी भाभी के पेड़ से आता है हमेशा हमारे घर, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि अभी शायद पेड़ पे हुए भी नहीं होंगे, पर मार्केट में मिल रहा था। तो मुझे, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है ये कटहल, तो मैं लेकर आ गई हूँ। और मैंने कहा चलो आज दोपहर में बनाया जाए, कोई आने वाला है जिसके साथ, हमने घर पर भी अपनी एक छोटी सी मीटिंग रखी है। और सैम का जो लैपटॉप है, बहुत, आपको एक बात बताती हूँ कि मैं बहुत सैड भी थी क्योंकि इससे पहले का जो कीवी का ग्रूमिंग का व्लॉग था वो, फ्रेंड्स जब मैं वीडियो एडिटर खोलती हूँ और उसमें अपने ऐड करती हूँ अपने पीसी से पिक्चर्स, तो वो ऐड नहीं हो रही हैं, कुछ ऐड हुई हैं कुछ ऐड नहीं हो रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा। तो अभी हमारा एक डिजाइनर है, उसको बुलाया है ताकि वो हमारा लैपटॉप को मतलब फॉर्मेट कर सके, ताकि मैं अपने रेगुलर बेसिस पे अपने जो व्लॉग्स है मैं डाल सकूं। पूरा व्लॉग रेडी है लेकिन मैं डाल ही नहीं पा रही हूं, पर एनीवे आज ठीक हो जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है। होता ही नहीं है, 7-8 लेंथ की लेगिंग आती है बट वो ना इतनी आएगी। हां शुरू 2x। क्या कपड़ा है, तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं स्टारबक्स में, एक एक कॉफ़ी तो बनती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी आ गई है कॉफ़ी, ये मेरी कैरेमल फ्रैपेचिनो, और आज सैम ने शुगर फ्री कॉफ़ी ली है। अब तो फ्रेंड्स हमने अपना नेम प्लेट भी नहीं लगाया था, तो अभी हम आए हैं यहाँ पर अपना नेम प्लेट बनाने के लिए। सैम ही बनवा लिया, तो फिर ये डिज़ाइन भेजेंगे हमारे पास, ठीक है। तो जफर आप कितनी देर में भेजेंगे? ठीक है चल, ओके। ये डिजाइनर है जो हमारा लैपटॉप फॉर्मेट कर रहा है, और मैंने इनके लिए बना दिया है हलवा। कैसा लगा भाई हलवा? ओह गुड। ये सैम लगे हुए हैं तार तूर, और अभी एंड टाइम पे चली गई है लाइट, यहां पर ये है बस। भैया मेरा वीडियो एडिटर ठीक कर देना बस, राणा मेरा वीडियो एडिटर ठीक कर देना बेटा बस, क्यों मेरा व्लॉग नहीं हो पा रहे हैं अपलोड। गुड। निशा क्या कर रही है? व्लॉग एडिट अभी तक हुआ ही नहीं है। नहीं अभी अभी तो फॉर्मेट होके खत्म करा है उसने, तो अब मैं अपना कर रही। थैंक गॉड सारी मेरे जो पिक्स थी, सारे मेरा जो वीडियोस थे सब आ गए, अभी ऐड हो गए वीडियो एडिटर पे। मैं फट करके करती हूँ और फिर थंबनेल बना के आज अपलोड। ओके कीवी क्या बात है, अभी मैं आके बैठी हूँ, अभी मैं एडिटिंग कर रही थी अपनी, अभी आके बैठी हूँ बात बेटा।
छोड़ दे मेरा पीछा थोड़ी देर। देखो ये देखो देखो सर, चल आ जा। मेरे आएगी। नो 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 नो, शांत बेटा, शांत 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 बेटा, शांत शांत शांत। हाइपर होगी बाबू, शांत 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 शांत। अरे भैया, अरे भैया मैं कपड़े फाड़ेगी मेरे। यस फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबको गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और आज कीवी का एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है और ये जो वैक्सीनेशन होता है इससे ये बहुत दो दिन सुस्त रहती है। तो आज कल ही मेरे बेटे ने मुझे मैसेज करा कि मामा इसको कल लेकर जाना, और आज हमको इतना इम्पोर्टेंट जाना था, लेकिन फिर एनीवे जब बेटा था ना यहाँ पर तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते थे, कभी हम रहते थे कभी वो रहता था, पर अभी चलो एनीवे इसको लगाकर फिर इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं और इसका टू लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, अभी से कुछ नहीं पता है। चलो चलते हैं, वहां मिलते हैं। कॉलो कॉलो, पानी पी लो। यस फ्रेंड्स, अभी अभी लौट कर आए हैं, केवी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया। एक्चुअली ये जब इंजेक्शन लगता है तो बहुत सुस्त हो गई थी लास्ट टाइम, और कुछ मतलब ज्यादा खा भी नहीं थी मैंने। आते ही सबसे पहले उसको थोड़ा सा उसका रॉयल कनाइन दिया ताकि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे, बिस्किट दिया, पानी दिया, और अभी अभी तो नहीं पता पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये सुस्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये मैं कल से बना रही हूँ और आज मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।